बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में निर्धन परिवारों का, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे परिवारों के बच्चियों की शादी होती है। और ये सिर्फ योजना नहीं है, ये हमारे सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि अभी 19 तारीख को शादी तय होना था हमारे पंचशील नगर दुर्ग में, धमधा में, हमारे गुरूर में, ऐसे जगहों में शादी तय हो गई, लोगों की कार्ड बढ़ गई, वहाँ तेल हरदी मेहंदी जो भी हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है एक दो दिन पहले होता है वो सब हो गया। उसके बाद 19 तारीख को इन लोग खबर देते हैं कि बजट की कमी के कारण शादी कैंसिल हो गई। तो ये सरकार जो ये योजना जो लाई है वो निर्धन कन्याओं का, और आप हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने 25,000 से इसको 50,000 किया गया है, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की रुझान इस ओर बढ़ रही थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसे व्यक्तियों की रुझान बढ़ रही थी। और पिछले हमारी सरकार में इसमें एक रिकॉर्ड तोड़ शादी भी 3,000 से अधिक एक साथ सामूहिक विवाह हुआ था, जो आज रिकॉर्ड है पूरे देश में। तो इस तरह की योजनाओं का बजट नहीं होना बताना ये इस सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक बात है और बहुत दिक्कत वाली बात है, जो गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रही है।